नवी मई विकास आघाड़ी की वासी में महारैली, मनपा चुनाव के लिए अबू आजमी और जयंत पाटिल ने भरी हुंकार। बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के खिलाफ नवी मई विकास आघाड़ी ने जोरदार दस्तक देते हुए आज वासी में महारैली की, जिसमें सेकाप और समाजवादी पार्टी सहित 13 संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यहाँ सेकाप नेता जयंत पाटिल, सपा के प्रदेशाध्यक्ष अबू आजमी और रिपब्लिकन सेना के मुखिया आनंद राज अम्बेडकर खास तौर पर मौजूद रहे। सभी नेताओं ने खुले तौर पर ऐलान किया कि महाविकास आघाड़ी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के राज में दलित, पिछड़ा और बहुजन समाज विकास और प्रतिनिधित्व से वंचित रहा है, और इसीलिए उसके सम्मान के लिए ही मनपा चुनाव में नवी मई विकास आघाड़ी का गठन किया गया। अबू वसीम आजमी और जयंत पाटिल ने वादा किया कि नवी मई विकास आघाड़ी आमजनों के लिए हॉस्पिटल, गरीबों के लिए विद्यालय और रोजगार का मुद्दा लेकर मनपा चुनाव में उतरेगी और जीतने पर नवी मई के उत्थान के लिए काम करेगी। जनता से अपील करेंगे, सब लोग जो है ना, गरीब, सब गरीब इकट्ठा हो और किसान मजदूर जितने लोग सब इकट्ठा हो और आकर के हमारा जो आघाड़ी बनी है उसको जिताओ और पूरे महाराष्ट्र में इस आघाड़ी को आगे बढ़ाओ। नवी मुंबई विकास आघाड़ीच्या कार्यक्रमात मी आता जाहीर केलं की या ठिकाणी जो करोना आलेला आहे आणि ज्या ठिकाणी आरोग्याची सुविधा नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून इथे होत नाहीये, ती पहिल्यांदा करण्याची घोषणा आम्ही करतोय। जे दारिद्र्य खालच्या रेषेखाली खाली लोक आहेत, जे गरीब लोक आहेत, त्यांना मोफत आम्ही हॉस्पिटलची सोय करायला मागतोय। आणि दुसरी गोष्ट, आज नवी मुंबईमध्ये एज्युकेशनचा हब तयार झालेला आहे, पण या हबमध्ये गरिबांना कुठेही संधी नाही, गरिबाची मुलं कुठे ॲडमिशन घेऊ शकत नाही, आणि त्यामुळे त्या धर्तीचंच आम्ही या ठिकाणी हॉस्पिटल काढू, नगरपालिका महानगरपालिकेच्या पाठीमागे, आणि त्याच्यामध्ये पारदर्शक ठेवू, जो खरोखर गरीब आहे त्यालाच तिथे ॲडमिशन दिली जाईल। ही भूमिका आम्ही प्रामुख्याने या निवडणुकीमध्ये प्रामुख्यानं माझे सहकारी अबू आजमी, कपिल पाटील, या ठिकाणी ज्यांनी आंबेडकर साहेब यांनी ज्या भूमिका या ठिकाणी मांडल्या त्याला आम्ही परिपूर्ण या ठिकाणी करू। फिलहाल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस तथा बीजेपी के बीच उतरा तीसरा मोर्चा मनपा चुनाव में कितना कमाल दिखा पाएगा कहना कठिन है, लेकिन इतना तो तय है कि नवी मई विकास आघाड़ी वोट काटने में मददगार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।